गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक नंबर सिस्टम एंड टुडे वी विल सॉल्विंग एक्सरसाइज 1E एंड द क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर पेज नंबर 35 बुक इज आर एस अग्रवाल. ओके, इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स वी हैव स्टडीड, इन द प्रीवियस टू वीडियोज वी हैव स्टडीड हाउ टू रिप्रेजेंट अ इररेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन यूजिंग द स्पायरल मेथड. यस, तो हमने क्या क्या रिप्रेजेंट किया था, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट नाइन, रूट टेन, रूट इलेवन, रूट ट्वेल्व, रूट थर्टीन, ये सब हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था. एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू सम होमवर्क ऑल्सो. नाउ लेट्स रिवाइज क्विकली हाउ टू रिप्रेजेंट रूट टू ऑन अ नंबर लाइन. अगर मुझे रूट टू बनाना है तो मैं क्या करूँगा, अपने स्केल को इंचेस पे लूँगा, इंचेस साइड से, और वन यूनिट, वन इंच यानी वन यूनिट का बेस बनाऊँगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाऊँगा वन का, और जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो इट विल बी रूट टू, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अगर मुझे रूट थ्री बनाना होता, क्या बनाना होता, रूट थ्री, तो सबसे पहले मैं रूट टू बनाता, फिर यहाँ पर मैं फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाता, वन यूनिट बनाता, और जब मैं इससे इसको ज्वाइन करता सो इट विल बी रूट थ्री एंड सो ऑन. नाउ सपोज अगर मुझे रूट एट बनाना होता, तो रूट एट बनाने के लिए मुझे बेस और परपेंडिकुलर क्या लेना होता, बेस मुझे लेना होता रूट सेवन और परपेंडिकुलर मुझे लेना होता रूट वन. पर इसका एक और तरीका है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बेस को और परपेंडिकुलर को टू टू ले लूँ सो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना आएगा, रूट एट कैसे आएगा देख लेते हैं. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, टू प्लस टू इज टू इंटू टू इज फोर एंड फोर प्लस फोर इज एट, सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू एट, सो हाइपोटेन्यूस विल बी रूट एट. इज दैट क्लियर. अगर मान लो मुझे रूट थर्टीन बनाना होता तो रूट थर्टीन बनाने के लिए मैं परपेंडिकुलर को टू ले लेता और बेस को थ्री ले लेता, या मैं परपेंडिकुलर को थ्री ले लेता और बेस को टू ले लेता, तब हमारा हाइपोटेन्यूस देख लेते कितना आ जाता. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, टू का स्क्वायर इज फोर, थ्री का स्क्वायर इज नाइन, नाइन फोर इज थर्टीन, सो हाइपोटेन्यूस इज अवर रूट थर्टीन. इज दैट क्लियर. सो वी हैव सीन हाउ टू मेक रूट टू, रूट थ्री, रूट एट, रूट थर्टीन. बट नाउ अवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव, रिप्रेजेंट अंडर रूट 4.7, डेसिमल के बाद 0.7. अभी इनमें देखो रूट टू, रूट थ्री, रूट एट, रूट थर्टीन, रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन में कहीं भी डेसिमल नहीं है. सो डेसिमल वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, दिस इज़ वन डिफरेंट मेथड. अच्छा, ये जो मेथड है इट इज़ अप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट यू नो द प्रोसीजर, सो आई एम टेलिंग यू द प्रोसीजर थ्रू वन क्वेश्चन. 4.7 में बता रहा हूँ, साथ में मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर. सो लेट्स सी हाउ टू मेक अंडर रूट 4.7 ऑन द नंबर लाइन. नाउ देखो, जो भी आपका क्वेश्चन गिवन है, अगर 4.7 गिवन है तो 4.7 की लाइन बना लो, 5.6 गिवन है तो 5.6 की लाइन बना लो, 10.5 गिवन है तो 10.5 की लाइन बना लो. सबसे पहले एक लाइन बनाओ, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली. ये लाइन है, और लाइन क्या होती है, विच कैन बी एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन. अगर मैं इसमें ये नहीं लगाऊंगा सो इट विल बिकम अ लाइन सेगमेंट. एंड अ डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, वेयर इज लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन. सो सबसे पहले मैंने एक लाइन बना ली, इज इट क्लियर. नाउ हमारा गिवन क्या है, 4.7. क्या स्केल में अपने सेंटीमीटर साइड से, स्केल में अपने सेंटीमीटर से आप 4.7 बना सकते हैं? यस. कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर स्केल रखो और यहाँ पे स्केल रख के आप 4.7 मार्क कर लो. तो ए बी मैंने कितने बना दिया, 4.7 सेंटीमीटर, पर मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा. उसमें हमने इंचेस बनाया था क्योंकि 1-2 बहुत छोटा हो रहा था, यहाँ पर हम 4.7 सेंटीमीटर बनाएंगे. यू कैन मेक इंच ऑल्सो, पर वो इंच बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो 4.7 का मैंने लाइन बनाया, जितना गिवन है. अगर यहाँ पर 5.6 गिवन होता तो मैं ए बी 5.6 बनाता. इज इट क्लियर. नाउ बी पर स्केल रख के 1 सेंटीमीटर आगे बना लो, सो इट विल बी सी. तो देखो ए बी कितना है, 4.7, बी सी कितना है 1, सो ए सी कितना हो गया, ए सी विल बी 5.7. यानी आपको जितने की लाइन गिवन है उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करना है. 4.7 गिवन है तो सबसे पहले 4.7 बनाओ, उसमें 1 सेंटीमीटर आगे बना लो. इज दैट क्लियर. अच्छा अब देखो 1-1 सेंटीमीटर की इसमें और कट लगा लो आगे, ठीक है. जैसे मैंने बनाया बी सी, फिर डी बना लो 1 सेंटीमीटर, ई बना लो 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. अच्छा इसको बोलेंगे 0, बी को बोलेंगे 0, सी को बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3 एंड सो ऑन. अब देखो, या फिर चलो
पहले सिर्फ बी सी तक बनाओ, ठीक है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में सिखाऊंगा, पहले बी सी तक बनाओ। तो ए बी कितना है 4.7, बी सी कितना है 1, टोटल ए सी कितना हो गया 5.7। अब इन द प्रीवियस क्लास यू नो हाउ टू मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, यहाँ पर अपना कंपास का नीडल रखिए, हाफ से ज़्यादा सेलेक्ट कीजिए और एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर सी पर रखिए विदाउट चेंजिंग द मेजरमेंट। जो मेजरमेंट आपने हाफ से ज़्यादा लेके ऊपर नीचे रखा है वो सी पर रखिए, एक कट ऊपर एक कट नीचे, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। सो ये जो पॉइंट आएगा, दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी, ये ए सी का मिडिल पॉइंट होगा। इज दैट क्लियर? नाउ आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, नेक्स्ट स्टेप आप अपने कंपास को यहाँ रखिए, कंपास की नीडल को यहाँ रखिए, पेंसिल को इतना मेजर करिए, जैसे ही मेजर कर लोगे एक सेमी सर्कल बना दीजिए, वो सेमी सर्कल कहाँ आके गिरेगा, सी पर गिरेगा। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बी पर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। 90 का एंगल आपने बनाना आ गया होगा आपको, और 90 का एंगल इस तरीके से आपको बनाना है कि ये जैसे ही आर को टच करे वहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बी पर अपने कंपास की नीडल को रखिए, इतना मेजर करिए, ये हवा में है ना, इतना मेजर करिए, उसको ऐसे नीचे उतार लीजिए। सो आपने इसको ऐसे नीचे उतार लिया, इज दैट क्लियर? तो जैसे ही नीचे उतारा, ये जो आपका पॉइंट मिला, दिस इज अंडर रूट 4.7, इज दैट क्लियर? नाउ सी द मेजरमेंट, मैंने बोला था आपको एक एक सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है, तो इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोलिए, इसको ई बोलिए, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सो देखो रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 4 होता है हमारा 2, रूट 4 कितना होता है 2। तो अगर मुझे रूट 4 का बनाना होता तो ये डी पर आके गिरता, अभी ये कहाँ आके गिर रहा है 4.7, देखो डी से आगे गिर रहा है, इज इट क्लियर? तो क्रॉस चेकिंग के लिए आप इसके बाद रूट 4 का बनाना, तो रूट 4 का बनाएंगे तो ये जो है ये आके आपका डायरेक्टली डी पर गिरेगा, पर 4.7 तो देखो 2 से बड़ा है, सो इट विल ये 2 से थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा, सो दिस इज अवर रूट 4.7, इज दैट क्लियर? हैव अ लुक एंड वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ओके लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन, वी हैव टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.6 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, जितना है उतने की लाइन बना दो, सबसे पहले एक लाइन बनाओ, ठीक है। अब स्केल से 9.6 आप बना सकते हो, यहाँ पर अपने स्केल का 0 रखिए, इसको ए मार्क करिए, और यहाँ पर ये बी, सो ए बी कितना आ गया, इट इज़ 9.6। तो पहले जितना गिवन होता है उतने की लाइन बना लो 9.6। नाउ बी पर अपने स्केल को रख के 1 सेंटीमीटर के कट लगा लीजिए, तो देखो ये हो गया सी 1 सेंटीमीटर, ये हो गया डी 1 सेंटीमीटर, ये हो गया ई 1 सेंटीमीटर, ये हो गया एफ 1 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर? तो ये हमने 1 सेंटीमीटर के कट लगा दिए, बट देखो 9.6 है, 9.6 और 1 कितना हो गया 10.6, तो आपको सिर्फ ये 1 सेंटीमीटर तक देखना है। पहले AC को देखो आप, AB कितना है 9.6 और BC कितना है 1, सो AC कितना हो गया 10.6। 10.6 का आपको क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर कंपास को रखिए, हाफ से ज़्यादा एक कट ऊपर एक कट नीचे, सिमिलरली रिपीट इट फ्रॉम सी, एक कट ऊपर एक कट नीचे, इसको ज्वाइन कर दीजिए, दिस पॉइंट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट आपका मिडिल पॉइंट मिल गया। नाउ अपने कंपास को यहाँ रखिए, ए तक लोड कीजिए अपने आर्क में, और एक आर्क बना दीजिए, ये कहाँ जाके गिरेगा, ये सी पर जाके गिरेगा, ये क्रॉस चेकिंग का तरीका है। अगर ये सी पर नहीं गिर रहा है इसका मतलब यू हैव डन सम एरर। अब बी से क्या करिए, एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, इज दैट क्लियर? बी से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। नाउ अपने कंपास को यहाँ रखिए, इतना मेजर कीजिए और एक कट लगा दीजिए, इज दैट क्लियर? ये कट जब लगाएंगे ये ई से आके आगे गिरेगा, तो देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अगर मैं रूट 9 बनाता तो रूट 9 कहाँ पर आके गिरता, वो ई पर आके गिरता, पर ये रूट 9.6 यानी रूट 9 से ज़्यादा है, देयरफोर ये ई से थोड़ा सा आगे आके गिरेगा। अगर ये ई से पहले आके गिर रहा है, इट मीन्स दैट यू हैव डन सम मिस्टेक, सो दिस इज अवर रूट 9.6। यू हैव टू रिप्रेजेंट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंट करना, एंड बी सी डी ई इसके नीचे नंबरिंग लिखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट क्लियर? हैव अ लुक क्लास, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये पेपर में आता है, ठीक है। नाउ
वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सी, देखो आपको ये रिप्रेजेंट करना है 10.5 ऑन द नंबर लाइन, ये आपका होमवर्क है। दूसरा रिप्रेजेंट करना है 7.28 ऑन द नंबर लाइन। अब कई बच्चे कहेंगे सर स्केल से हम 0.28 तो बना नहीं सकते, इसलिए इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 7.3, तो इसको कैन बी राउंडेड आउट एज 7.3। सो आपको क्या बनाना है, अंडर रूट 7.3 ऑन द नंबर लाइन एंड 10.5 ऑन द नंबर लाइन। और प्रोसीजर क्या है, पहले 10.5 की लाइन बनाएंगे, फिर एक सेंटीमीटर आगे बनाएंगे यानी 11.5, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर 90 डिग्री, और वो 90 डिग्री कहाँ गिरेगा, दैट विल बी योर रूट 10.5। इज दैट क्लियर? नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन जो मैंने आज डिस्कस किए हैं वीडियो में वो भी, और ये दोनों जो मैंने होमवर्क दिए हैं, एंड यू हैव टू सेंड पॉजिटिवली मी द असाइनमेंट। इज दैट क्लियर? दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।